वेलकम टू पाकिस्तान जी। पाकिस्तान में ऑफिशियली हम लोग दाखिल हो गए अभी। अरे यार ये ट्रक वाला अब आ गया, आ गया। तो आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं और नैन जा रहे हैं खारियाँ, और आपको अपना सफ़र भी एंजॉय करवाएंगे। नैन साहब की तबीयत कुछ ख़राब है। तो अभी हम निकलते हैं घर से और अपना जो सफ़र है वो भी स्टार्ट करते हैं। सफ़र हमारा जी अब स्टार्ट हो चुका है और अभी हम जुंबर शहर में समाधि वाली साइड से एंटर हो रहे हैं। अल्लाह करे कि आज का हमारा सफ़र अच्छे से गुजरे और हम खैर खैरियत से पहुंच जाए हॉस्पिटल। एक दो दिन रुकना पड़ेगा वहां पे ही। सर्दी काफी है, सुबह सुबह ग्लव्स मैंने लेके आया अपने, और लेकिन फिर क्या धूप सूप लग रही है, डैमेज हो जाएगा। काफी रश हो गया। जुंगल शहर से तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं, तकरीबन 5-6 मिनट हो सकता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम लोग डेंगू वाली साइड पर पहुँच जाएंगे और फिर वहीं के साथ ही आगे कोटला आ जाता है, पाकिस्तान की बात शुरू हो जाती है। सुबह सुबह रोड बिल्कुल सूरज की रोशनी के शीशे की तरह नजर आ रही है। ब्लिंग आ गया है जी और साथ ही अब आगे चेक पोस्ट आई कि एक दस के आगे फिर पाकिस्तान के एरिया स्टार्ट हो जाएगा। बस घूमा जा रही है, चाहे जितनी मर्जी स्पीड लगा लो अंदाजा ही नहीं हो रहा स्पीड क्या है बाइक की। ट्रैफिक पुलिस वाले रोक रहे हैं गाड़ियों को सुबह सुबह। ये जी ये एग्जैक्ट पॉइंट है जिधर से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है और कश्मीर का जो यहाँ से एरिया ना ये खत्म हो जाता है। वेलकम टू पाकिस्तान जी। पाकिस्तान में ऑफिशियली हम लोग दाखिल हो गए हैं अभी और हमें खारियाँ लग जाने चिड़ियावला नाम है इस जगह का। पीछे बोर्ड लगा हुआ लेकिन साइड में ही लगा हुआ टूटा हुआ है। थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं अभी तो यहाँ से तकरीबन घंटा लग ही जाता है। कोटला में थोड़ा बहुत रश होता है ट्रैफिक का, उस वजह से भी, और 40-45 किलोमीटर आए थे खारियाँ जुंबर शहर से। अंकल जी देख के अंकल आगे आने के चक्कर में थोड़ा रुका लगा रहे सुबह सुबह सड़क पे आके। ये
खेत, ग्रीनरी, इस साइड में थोड़ी बहुत है, लेकिन मेरे राइट साइड पे ना सही बड़े बड़े खेत में पता नहीं कैमरे में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे या नहीं, लेकिन मुझे तो नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत। यहाँ से आगे से साफ होता है एरिया, वैसे घर बने हुए और आगे कुछ झाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, इस वजह से तो मुझे भी क्लियर नहीं नजर आ रही है। देखने गंदम है शायद ये, अभी क्योंकि सर्दियों में सीजन होता है गंदम का लगाने का और फिर गर्मियों में तैयार हो जाती है। पेट्रोल पंप आया, पेट्रोल पंप आया आगे और हमें डलवाने की जरूरत नहीं है, वैसे है तो बहुत कम, इसमें 3-4 लीटर होगा, लेकिन ये काफी है। हम देंगे बाइक तकरीबन 67 की जो ऑफिशियल आई थिंक ये बताते हैं, जो 100 है राउंड लाइट वाला, अब तो इसकी जगह प्राइवेट आ गया, लेकिन कोटला में वैसे रास्ते बहुत ज़्यादा आता है, अभी हम एंटर हुए हैं इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन आगे हो सकता है कि जब मैन बाजार है वहाँ पे रश हो। ट्रैफिक जाम है सुबह सुबह, हमें आगे चौक से अब राइट साइड भी मुड़ना है, लेकिन गुलियाना वाली साइड भी है, लेकिन हमें टाइम लगेगा, रश काफी ज्यादा है। पहले इधर से भी फंस रहे हैं, इधर ट्राई मारते ही निकले। यस वो स्लो था शायद, उसने रोका हुआ, बाकी तो सारे निकलते हैं ऐसे ऐसा। शुक्र है रश से निकले हैं बाहर, अभी यहाँ से आगे जो रास्ता है वो तकरीबन ठीक है सारा, रश नहीं आती, जैम नहीं होता कहीं पे भी, रश होता थोड़ा बहुत लेकिन जाम ट्रैफिक जाम नहीं होता। इस एरिया में वैसे इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन मुजफ्फरबाद नीलम वाली साइड पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे गाड़ी के अंदर भी ठंड लग रही थी गाड़ी चलाते हुए भी, और बाइक पर बैठ कर इस तरह की ठंड अभी भी नहीं लग रही। स्पीड ब्रेकर 2-4 बार में आ गया ना इस सड़क पर, अब मुझे अंदाजा हो गया फिर भी किधर किधर स्पीड ब्रेकर। मेरा तो अभी दिल कर रहा है चाय पीने का, वैसे घर से तो पी के आए थे, उसी टाइम नैन साहब से पूछते अगर इनका दिल होता है तो पीते हैं कहीं बैठ के, नैन साहब कह रहे हैं जी चाय पीनी है, कहीं ओए ऑर्डर मिस हो गया, चलो आगे जाके बैठते हैं कहीं पे,
किसी और वो है यहाँ पे मुझे तो अंदाजा ही नहीं है कहाँ कहाँ गया होटल और आगे डाले वाला था क्या उसमें नजर नहीं आया निकला है आगे आगे जाके रुकते हैं चाय वगैरह पीते हैं थोड़ा इजी होते हैं उसके बाद फिर हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे डायरेक्ट मेन साहब को भर्ती करवा देंगे एडमिट करवा के ऑपरेशन वगैरह करवा के फिर उसको मैं लेके जाऊँगा घर। मंडा हड तो नहीं क्या नाम है तेरे के पर देख कैसे वो प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती ना मुझसे अरे जो ये ट्रक वाला भी आगे आ गया हम निकल है ट्रक से आगे सही से बिल्कुल वैसे ऐसे निकलना नहीं चाहिए गलत बात है पर हम लोग अब निकल आए हैं उसने टाइम बहुत ज़्यादा लगाना था इसी वजह से निकल आए हैं आगे कोई बात नहीं खैर ये ट्रक भी स्लो था स्पीड ब्रेकर के ऊपर से हम लोगों ने सोचा चलो निकल ही जाते हैं आगे वरना टाइम लगेगा वे फिर रास्ता नहीं देते ट्रक वाले दे ही नहीं सकते इतनी बड़ी गाड़ी है तो कहाँ से रास्ता दे छोटी छोटी सड़क है ये तो होटल ही बंद है जैसे होटल में हम लोग बैठने की कोशिश करते हैं वो बंद होता है और जो खुले होते हैं वहाँ से आगे निकल आते हैं देखते ही नहीं है ओए होए छोटे छोटे खेत छोटे छोटे नहीं है बड़े बड़े खेत हैं ये आई थिंक ना लगाई हुई है सरसों का साग है वो लगा हुआ है इस साइड में लगता था ऐसी है मुझे जो पहचान है उसके मुताबिक अब पता नहीं पंजाब में लोग क्या क्या लगाते हैं हम तो कश्मीर वाले हैं हमें हर चीज़ का यहाँ की चीज़ों के बारे में कम ही पता है यहाँ पर ट्रैक्टर लगाया और चल पड़े हमारे यहाँ पे तो बैलों के साथ हम लोग करते हैं खेती बाड़ी टेरेस फार्मिंग होती है और हर जगह पर ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता ना भाई यहाँ पे रुकते हैं ना बड़ा प्यारा यहाँ पे सीन है थोड़े से आपको भी इंजॉय करवाते ही काश कि हमारे पास ड्रोन होता आपको हम यहाँ पे ना ये सारा एरिया दिखाते लेकिन ड्रोन श्रोन नहीं है कोई बात नहीं इसी तरह दिखाते हैं लोग ये थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे और खड़े बहुत नज़ारे हमने कैप्चर किए तो अभी अपना सफ़र जो स्टार्ट करते हैं सब चलें जी चल और यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक दिखाई दे रहा हमें और नहीं हमारे पास इस वजह से हम लोग अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकते सारा कुछ और आगे जाके चाय वगैरह भी पीते हैं और अपनी वीडियो का एंड यहीं पे कर देते हैं क्योंकि फिर आगे कैंप वगैरह आ जाता है तो फिर ये हम वीडियो भी बना सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको मिल सकती है मुलाकात होगी तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें या लाइक कमेंट किया करें इससे मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा और तो अगली वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।